चैनल कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून में, सुबह से नहीं की क्योंकि आज मंडे है, कल संडे था तो कल हम लोग सब बहुत जल्दी उठ गए थे और आज मंडे है, आज जल्दी उठना था तो आज सब लेट उठे हैं तो इसके लिए काम भी लेट हुआ। और आज मंडे है तो मेरा फास्ट है आज, पहले रखती थी छोड़ दी थी तो अभी आज से मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो कुछ ज्यादा बनाना नहीं है, दाल और राइस बनाऊंगी। दाल बन गई है, दाल को फ्राई करना है और मेरे लिए मैं बनाऊंगी साबुदाने की खिचड़ी। तो जिस दिन मेरा फास्ट रहता है, कुछ भी संकष्टी वगैरह मैं रखती हूँ तो ये लोग खाना नहीं खाएंगे, खाना बनता है फिर वैसे ही पड़े रहता है। तो देखूंगी अगर ये लोग खाएंगे अरुष्ण तो फिर बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी, खिचड़ी ही बना लूंगी क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं खाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, मुझे भी भूख लगी है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं किचन में, सो गुड आफ्टरनून, बाय 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 बाय। बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जिसका कभी यूज नहीं लगता, महीने में भी एक बार नहीं है लगता है लगता है यूज। ड्रॉअर में पैन है, सारा हटा दूंगी मैं आज। साबुदाना बनाने जा रही थी, साबुदाना है नहीं और साबुदाना भिगा के जब थोड़ी देर आधा पौना घंटा रखेंगे तो ही अच्छा बनेगा। मुझे भूख लगी है तो क्या कर सकते, आप रहने दो मैं करती हूँ। अरे मैं कोई बोलता हूँ, छोड़ो तो सही। अभी इसको मैं स्लो करके रख दी, भूनेगा जब तक मैं बर्तन धो लूंगी। तो बर्तन धो के हो गया, साबुदाना भिगाई थी वो भी अच्छे से भीग गया है, आधा पौना घंटा हो गया है तो मैं यहाँ पे खिचड़ी बना ले रही हूँ। और रेसिपी मैं नहीं शेयर करूँगी साबुदाने खिचड़ी की, बुक भी बहुत बार कर चुकी हूँ तो इसलिए रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। अगर आप लोग को देखना है तो मेरा पीछे का वीडियो देख लेना, उसमें है साबुदाने की रेसिपी। और यहाँ पर साइड में मैं रखी हूँ मूली मिर्ची का अचार है, इसे बना के मतलब रख लेते हैं ठंडी के मौसम में, 1 वीक तक चलता है, फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। तो इसमें भी मैं कुछ ज़्यादा मसाला नहीं, सिर्फ हल्दी पाउडर धनिया पाउडर यूज करी हूँ और जीरा और राई का तड़का दी हूँ। और मूली को काट के मैं सुखा ली थी कल दिन में 2-3 घंटे के लिए धूप में। तो देखिए यहाँ पे खिचड़ी भी बन गई है और मूली मिर्ची का अचार भी बन गया है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दे रही हूँ धनिया और अरुष आके देख के जा रहे हैं, उनको खिचड़ी खानी है, दाल राइस खाए नहीं वो, तो हम लोग कर लेते हैं लंच। देखिए खिचड़ी बनके रेडी हो गई है, बन गई है, खा लेते हैं। फैन और स्लो करो अरुष, फाइव पे करो, फाइव पे फोर पे करो, बस चलो आ जाओ। 1 2 3 4 को थोड़ा उतना बाहर देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, उनको देखना जरूरी। लो देखो, फिर आप में धनिया नहीं है, मेरे में हरा धनिया डाले हो ना, और उसमें नहीं डाले हो, आलू नहीं खाते उनको निकाले। मूली कौन सा बनाए,
आप कितना खाओ ना उस टाइप का है। तो यहाँ पे कपड़े सूख गए हैं, वो मैं कपड़े ले रही हूँ यहाँ से, और थोड़े बहुत गीले भी हैं, तो उसको मैं पलटी मार के रख दे रही हूँ यहीं पे। जो भी सूखे हुए कपड़े हैं उसको मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ, नहीं तो फिर पड़े रह जाता है। और अभी बज रहे हैं 7:15, तो मैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ, और आदि और आरुष का होमवर्क था, वो दोनों कर रहे थे अपना, तो पूजा करके आती हूँ। तो दोनों आके खड़े हो जाते हैं टीका लगाने के लिए, चाय और पीने के लिए, और दूसरे का दही बना देती हूँ। दही दही, हाँ दही मैंने रखा है। नीचे तो यहाँ कढ़ाई में मैं ऐड की हूँ मस्टर्ड ऑयल, और उसमें ऐड कर रही हूँ जीरा। आलू का पराठा बनाने वाली हूँ, ये लोग को आलू का पराठा खाना है। तो जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी मैं उसमें ऐड कर दी हूँ हरी मिर्च, और इसमें ऐड करूँगी मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए बस उतना ही भूनना है। और इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो मसालों को भून के, और इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ ये मैश किए हुए आलू। नमक इसमें पहले से ही ऐड की थी, आलू जब मैश कर रही थी तभी ऐड कर दी थी नमक। तो इसी तरह से इसको अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पे, कम से कम 4-5 मिनट तक। तो अभी इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ ये हरी धनिया, और इसको चलाते हुए 2 मिनट तक और भूनूंगी। इसके बाद मैं इसको रख दूंगी ठंडा करने के लिए, फ्रिज में रखती हूँ। जब ये अच्छा ठंडा हो जाता है तो बहुत अच्छे से फील होता है, नहीं तो फट जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ पराठा, थोड़ा सा क्लिप मुझसे डिलीट हो गया है गलती से, तो उसके लिए सॉरी। यारूस है ना, उनके हाथ में मोबाइल जाती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर देते हैं वो, तो उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो हो गया डिनर मेरा भी, वो लोग का तो पक्का हो गया था। अब मैं जा रही हूँ किचन क्लीन कर ली हूँ, बर्तन धुलने के लिए जा रही हूँ। तो मैं सोची कि वीडियो का एंड कर दूँ, नहीं तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।